और बड़े बड़े टैलेंटेड और जहीन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है जिसने, नौजवानों की बात हो रही है तो इस नौजवान से मैं शुरू करता हूँ। क्या हाल है बाबर आपके? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जो शकील ने कहा है, क्या आप उस बात से इत्तफाक करते हैं कि हम लोगों ने जो काम किया है उस वक्त वो लोग थे जो बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा ऑर्गेनाइज, वक्त की पाबंदी, बहुत मेहनत से, क्या आप लोग इस तरह से काम करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस मौजूदा दौर में जिस वक्त मैं आया हूँ तो मुझे भी बहुत ही डिसिप्लिन और अच्छे लोग मिले हैं, और मुझे अपनी परफॉर्मेंस को अदा करने में मतलब बहुत ज़्यादा मौका मिला। क्या काम करने में ज़्यादा लुत्फ आता है, कॉमेडी या सीरियस? नहीं जी, शुरू से मेरा ये था कि जो भी रोल मुझे मिले मैं उसे खूब से खूब मतलब बेहतर तरीके से कर सकूँ। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि इतने बड़े बड़े बालों पर अगर लड़की का रोल मिले कर लोगे? नहीं, वो आप कर चुके हैं तो मेरे लिए तो कोई चांस नहीं। देखो, ये फ़र्क है पुराने लोगों में और नए लड़कों में। अगर मैं होता और मेरी जगह कोई पुराना होता तो मैं उनको कभी जवाब नहीं देता। नहीं नहीं, बोलो ना, आप बोलो। वो दरअसल मेरे जवाब में प्यार था। अल्लाह रे, सबके जवाब का बहुत सारी तालियां, वेरी टैलेंटेड आदमी। रिजवान वास्ती, अच्छा रेडियो पे खबरें पढ़ना एक वो एक डेड चीज होती है, सामने कुछ भी नहीं होता। आपको कैसे पता चला कि जी आप में एक्सप्रेशन भी है, आप एक्टिंग भी कर सकते हैं? किसने डिस्कवर किया आपका ये टैलेंट? मुझे असल में न्यूज के लिए तो मैंने ऑडिशन नहीं दी थी, मैं रेडियो ड्रामा कर रहा था। किसी ने कहा कि योर वॉइस इज मोर सूटेबल फॉर न्यूज रीडिंग, मैंने कहा कि ठीक है, ऑडिशन दी। दो तीन दिन बाद खत आ गया कि आके आप न्यूज पढ़ना शुरू कर। तो क्या आप नहीं समझते कि ये अच्छा मशवरा था जो उसने आपको दिया था? अच्छा, कुछ आप कहना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ न्यूज ही पढ़ा करूं भाई? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। थैंक यू। खवातीन हज़रात, एक नौ ब्याह था जोड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कौन भला? आपकी तालियां दोनों के लिए। थोड़ा सा मुवाजना करते हैं कि ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये, और ये नौजवान नस्ल के जो लोग हैं, इनके बिहेवियर्स में क्या फर्क है? इन्होंने कहा कि जब इनको गुस्सा आता है शौहर को तो ये बाहर चली जाती है, ठीक है, और इनको मनाने की कोशिश करती हैं, और जब उनको गुस्सा आता है तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि मैं सर झुका लेता हूँ। अब आप मुझे बिल्कुल संजीदगी से जवाब दीजिएगा, जब इनको गुस्सा आता है आप क्या करती हैं? जब मेरी गलती होती है तो मैं सॉरी कर लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ, लेकिन जब मेरी गलती नहीं होती है तो मैं इनसे ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, अब सही सही बताना कि जब ये गुस्सा करती हैं तो आप क्या करते हैं? मैं इनसे ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं झूठ नहीं पूछ सकता। ये हैं नौजवान नस्ल, आप लड़वाना चाह रहे हैं, अगर ऐसा कर लो तो क्या बात है, मुश्किल है, नहीं हो सकता। चलो, मुबारक हो, आप दोनों खुश रहें।